सरकार हमसे 12-12 घंटे काम कराती है और बदले में ऐसा खाना देती है। फिरोजाबाद मुख्यालय में तैनात यूपी पुलिस के सिपाही रो रो कर सुनाई अपनी दुख और पीड़ा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। केवल दबाव बनाया जा रहा है भाइयों, देख लो इस आरक्षी पर, समझ उस अधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिगड़ दिया जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटी बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता चंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं, या मेरे माँ बाप तोड़िए, इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही मोहल्ले द्वारा, कड़ना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे, ताली को तुझे करके जनता के बीच में चला गया। तो आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है, बहुत अगर नहीं हो रही है, ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएसओ ने मुझसे कहा फोन काट दो, बंदा बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा, मैं डीजीपी का पीएसओ बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के बंदन निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला, दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है सिपाही, मर जाते हैं, चले जाते, 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की जिंदगी काट रहे हैं, हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है, अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। यही बुला लो साहब, लोग बुला, मैं नहीं जाऊँगा साहब, यहाँ से नहीं जाऊँगा साहब, बिल्कुल बचेगा, मैं रोड पीछे बैठ जाऊँगा जाके साहब, जाऊँगा नहीं यहाँ से। यहाँ बैठे समस्या हो जाएगी।